एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको खास जानकारी देने जा रही हूँ कि जैसे कि मेरे पास बार बार जब मैंने वीडियो डाली कि एडमिशन जो गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं क्लास 6 to 9, तो काफी कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि 11th के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। तो 11th के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कल से स्टार्ट हो रहे हैं। ये एडमिशन नोटिस एजुडेल का, देखिए ये जो एजुडेल का नोटिस है, इसके एडमिशन नोटिस, इसको हम खोलते हैं, इसमें ये सब डिटेल आपको दी गई है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और इसमें डिप्लोमा से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड हर टाइप की आपको डिटेल्स जो हैं वो सब कुछ, जो भी नोटिस आता है रिसेंट, वो आपको डिटेल मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए ये जो राजकीय विद्यालय आते हैं, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, उनके जो एडमिशन है इसमें अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्लास 11th के एडमिशन जो है वो उसका जो शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। और जो शेड्यूल है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं क्लास 11th में, तो क्लास 11th में आप एडमिशन कल से स्टार्ट हो जाएंगे। आप ऑनलाइन फॉर्म इसके फिल कर सकते हैं। अगर देखिए इसका मैं आपको बताती हूँ कि देखिए इसमें बहुत से स्कूल हैं जिसमें आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए, रजिस्ट्रेशन जो राजकीय विद्यालय है, प्रतिभा विकास विद्यालय, उसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो हैं दिल्ली के अंदर, उनके स्टूडेंट्स का एडमिशन कल से 28 अगस्त 2020 से शुरू होगा और उसकी अंतिम तिथि है 9 सितंबर 2020 ऑन ऑल वर्किंग डे फ्रॉम 9 AM to 8 PM। ओके, तो ये है। और कैंट बोर्ड लोकेटेड इन दिल्ली, जो कैंट बोर्ड है इसका वो दिल्ली में लोकेटेड है। और हार्ड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म मे बी सबमिटेड टू HOS, जो हेड ऑफिस होगा वहां पर आपको सबमिट करनी है, विद वेयर द स्टूडेंट हैज गिवन हर फर्स्ट चॉइस फॉर एडमिशन, जहां पर आपने फर्स्ट चॉइस एडमिशन की फिल की है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से इसमें स्कूल्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे ये देखिए राजकीय विद्यालय की लिस्ट दे रखी है, ये क्लस्टर ये दे रखे हैं, जैसे राजकीय विद्यालय सूरजमल विहार में भी है, नंद नगरी में भी है, सिविल लाइन्स में, नरेला में, रोहिणी सेक्टर 11, द्वारका, इस टाइप से ही इतने सारे ये जो स्कूल्स हैं जहां पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं, ये जो नोटिस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी ताकि कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसे ध्यान से पढ़ लें ताकि कल जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन होगा ड्यू टू COVID-19। हर क्लास का इस बार एडमिशन का जो फॉर्म फिल किया जा रहा है वो ऑनलाइन ही फिल किया जा रहा है। और हार्ड कॉपी जो होगी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अंदर आपको खुद से जाके सबमिट करनी होगी। डेट एंड टाइम ऑफ डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ क्लस्टर वाइज सिलेक्टेड स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और मेरिट बनेगी, मेरिट के हिसाब से ही आपका एडमिशन जो होगा वो होगा। और उसके बाद में उसकी जो लिस्ट होगी वो नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाएगी। और आपको हो सकता है अगर ये मोबाइल नंबर मांगा जाएगा तो मोबाइल में उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाएगी। और जो एडमिशन का मेरिट लिस्ट जो आएगी वो आएगी 14 सितंबर 2020 मंडे को 2 बजे। और डेट एंड टाइम ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन, अगर काउंसलिंग जो होगी उसकी वो होगी 16 सितंबर 2020 17 को फ्रॉम 10 AM to 1 PM। एडमिशन प्रोसेस ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट, जो एडमिशन अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो एडमिशन प्रोसेस जो होगा वो 19 सितंबर 2020 से 25 सितंबर 2020 तक होगा, वो 9 AM to 1 PM तक। डिटेल भी प्रोवाइडेड बाय द हेड ऑफ द रिस्पेक्टेड RPPV, जो भी राजकीय ये प्रतिभा विकास विद्यालय हैं उनके जो हेड होंगे वो आपको इसके बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे देंगे। अगर लास्ट डेट अगर हॉलीडे पड़ती है तो उससे नेक्स्ट वर्किंग डे को लास्ट डेट ट्रीट किया जाएगा। ये नोटिस है रिगार्डिंग डेट ऑफ एडमिशन ऑफ क्लास 11th। अब इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन तो देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन डज नॉट एंटाइटल, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडिडेट का RPPV के जो स्कूल्स हैं उसमें एडमिशन हो जाएगा।
द एडमिशन इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द रिजल्ट ऑफ क्लास टेंथ. क्लास टेंथ की मेरिट के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा. और इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैकेंट सीट इन क्लास 11 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रिस्पेक्टिव RPPV. जो रिस्पेक्टिव स्कूल है उसकी जो वहां पर कितनी वैकेंट सीट है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और क्लास 11th में एडमिशन होगा. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शैल बी मेड ओनली इन वन RPPV इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस ऑफ RPPV इन ए क्लस्टर ऑफ RPPV वेयर एप्लीकेंट इंटेंड टू सीक एडमिशन. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसलिए ही बनाया जा रहा है ताकि जो एक वहां पर नोडल सेंटर एक किस्म का होगा वहां पर से देखा जाएगा कि कहां पर कौन सी वैकेंट सीट है, उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग होकर आपका एडमिशन हो जाएगा. और स्कूल एक बार जो आपको अलॉट हो जाएगा उसके बाद उसे चेंज नहीं किया जाएगा. और एप्लीकेशन आर ऑल्सो एडवाइज टू चेक देयर एलिजिबिलिटी फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिफोर सबमिटिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. और एप्लीकेंट को एडवाइस दी जाती है कि वो जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद में एलिजिबिलिटी चेक करके फिर ही करेंगे. ड्यूली फिल्ड कम्प्लीटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड. पूरा अच्छे से फिल करके और कम्प्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही सबमिट किया जाए कैंडिडेट का फॉर द चॉइस ऑफ एडमिशन. और सबमिशन जो होगा नेसेसरी डॉक्यूमेंट फ्रॉम 18 अगस्त टू 9 सितंबर. और डिस्प्ले जो होगी जैसे मैंने आपको बताया 14 सितंबर को होगी. और कंप्लीट डिस्प्ले डिटेल इन रिस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन प्रोसेस एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट. जो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.azudel.nic.in इस पे आपको इसकी कंप्लीट डिटेल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले. अब आपको मैंने इंस्ट्रक्शन तो बता दी, उसके बाद में मैं अब आपको बता रही हूँ स्ट्रीम वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर एडमिशन टू क्लास 11th इन RPPV फॉर द सेशन 2020-2021. अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप कौन सा लेना चाहते हैं, आप साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, तो उसके सब के सब किस टाइप का क्राइटेरिया होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. स्टूडेंट हुआ स्टडीड कंटिन्यूसली फॉर 2 ईयर ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड स्कूल सिचुएटेड इन दिल्ली एंड हैज पास्ड क्लास 9th इन द एकेडमिक सेक्शन एंड क्लास 10th इन द एकेडमिक सेक्शन 2019 और 20 मे बी गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑनलाइन बाय HOS. जो भी वहां का स्कूल होगा वहां से ही आप रजिस्टर कर सकते हैं स्टूडेंट ने जहां पर 10th क्लास पास की है. और 11th में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो अब गिवन बिलो नीचे दिया गया है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट विल हैव ऑप्शन टू चूज RPPV इन ए पर्टिकुलर क्लस्टर. जो टाइम होगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें जो दे रखी होंगी च्वाइसेस उसमें से ही आपको RPPV को सिलेक्ट करना होगा. और रजिस्ट्रेशन जो करेंगे मेड ओनली इन वन RPPV ऑफ ए पर्टिकुलर क्लस्टर आउट 22 में से आपको वन में करना होगा इफ देयर इज वैकेंट सीट अवेलेबल आफ्टर एडमिटिंग क्लास 11 फॉर द एटिंग. और उसके बाद में RPPV में एडमिशन होगा अगर वहां पर कोई वैकेंट सीट होगी. अब उसके बाद है देयर विल बी क्लस्टर वाइज मेरिट. हर एक की मेरिट बनेगी. स्ट्रीम साइंस है, कॉमर्स है या ह्यूमैनिटी मींस आर्ट है फॉर क्लास 11th फॉर ए पर्टिकुलर क्लस्टर ऑफ RPPV डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंट सीट अवेलेबल इन नॉन RPPV स्टूडेंट. उसके बाद में बनेगी और उसके बाद में ये दे रखा है स्पेशली देखिए फॉर एडमिशन इन क्लास 11th फॉर ए पर्टिकुलर क्लस्टर डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंट सीट अवेलेबल फॉर नॉन RPPV स्टूडेंट. उसके बाद में देखा जाएगा कि पहले तो प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जो गवर्नमेंट स्कूल में है, उसके बाद अगर वैकेंट सीट बचती है तो नॉन RPPV स्टूडेंट को भी कंसिडर किया जाएगा. अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मिनिमम परसेंटेज जो मार्क्स की है वो क्लास 10th की RPPV ये क्लास 11th में. अगर आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो मैथ में 71%, साइंस में 71%, इंग्लिश में 61%, सोशल साइंस 51% एंड हिंदी में 51% होने चाहिए. सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट जो होगी क्लास 11th प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ साइंस स्ट्रीम एज पर एग्रीगेट ऑफ द क्लास 10th इन द अबव सब्जेक्ट. ये मेरिट लिस्ट बनाते हुए इतने मार्क्स वाले को ही प्रेफरेंस दी जाएगी फॉर साइंस. और अगर आप कॉमर्स में लेने चाहते हैं तो मैथ साइंस जो सोशल साइंस है उसमें 61% होने चाहिए, इंग्लिश नेचुरल साइंस और हिंदी में 51% मार्क्स है तो आपको कॉमर्स में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं. और अगर आप आर्ट्स में लेना चाहते हैं तो सब में अगर 51% मार्क्स हैं तो आप आर्ट्स के लिए एलिजिबल हैं.
और जो होगा इसमें इन केस ऑफ टाई फॉर द लास्ट वैकेंसी दैट इज सेम मार्क्स ऑब्टेंड फॉर क्लास 10th बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ थ्री स्ट्रीम्स देन देर विल बी ड्रो ए लॉट एंड सक्सेसफुल स्टूडेंट इन द ड्रो विल बी ऑफर्ड द सीट इन द स्ट्रीम इन विच द स्टूडेंट हैड रजिस्टर्ड हिमसेल्फ फॉर एडमिशन ऑफ क्लास 11th. तो ये मेन है कि आपका अगर मान लो टाई अप हो जाता है, दो बच्चों के सेम मार्क्स होते हैं, तो ड्रो निकाला जाएगा, ड्रो में जिसका नाम आ जाएगा उस बच्चे को एडमिशन दे दिया जाएगा. तो ये है आपके लिए इंस्ट्रक्शंस. और मैंने आपको बता दिया है कि राजकीय विद्यालय जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दिल्ली में, उनमें एडमिशन कल से स्टार्ट हो जाएंगे. और जैसे ही फॉर्म आएगा तो मैं फॉर्म की जानकारी दे दूंगी. और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.